एक्यू सूत्र बाय अरविंद में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज मेरिडियन, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मेरिडियन, बीएचबी यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर विज्ञान आदि पर चर्चा करते हैं। इधर हम लोगों ने 12 भागों में CMAM चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोड के आधार पर जो ऑर्गन्स की विशेषताएं होती हैं, जो उस मेरिडियन के ऑर्गन की विशेषताएं होती हैं, जो उनके सिम्टम होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं सिम्टम या हाइपो एक्टिव होते हैं अंडर एक्टिव, उससे जुड़ी हुई चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हार्ट युग, लंग्स युग, स्प्लीन युग, किडनी युग, पेरिकार्डियम युग की चर्चा कर दिया है। अब हम लोग लीवर पर चर्चा कर रहे थे। पिछली भाग 12 में हम लोगों ने लीवर पर चर्चा किया था। लीवर की चर्चा अभी अपूर्ण है, आज लीवर की चर्चा पुनः की जा रही है। तो लीवर में हम लोगों ने उसके जनरल बैलेंसिंग सिम्टम्स बताए थे, अब हाइपर एक्टिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो हाइपर एक्टिव सिम्टम जो होंगे लीवर में, तो कैटरेक्ट यानी लीवर की वजह से कैटरेक्ट, क्योंकि आंखों की बीमारी है तो कैटरेक्ट होगा। कैटरेक्ट स्प्लीन की यानी स्टमक की वजह से हो सकता है, स्टमक की गर्मी से भी संभव है। नाक से रक्त आना, लीवर हार्ट से जुड़ा है, लीवर जो है इज द मदर ऑफ हार्ट, तो इसलिए हार्ट से जुड़ा हुआ, तो नाक से रक्त आने का भी संभावना है। सर चकराना, एनर्जी, जब लीवर की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अपनी सीमाओं को क्रॉस कर जाती है, तो सर चकराने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि गॉलब्लैडर भी इससे जुड़ा हुआ है, तो गॉलब्लैडर की जो मेरिडियन है वो सर पे जाती है। शरीर में गर्मी महसूस होना, ब्लड को ये अपने में समाहित भी करता है, स्टोर भी करता है, इसलिए ये बिंदु उस पर है। अनिद्रा जब, क्योंकि इसका वायु, आप वैसे देखें तो इसको वायु, इसकी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो विंड का काम क्या है, विंड जहां भी रहेगी अगर वो ब्रेन में चलेगी तो अनिद्रा उत्पन्न करेगी। गर्मी अच्छी न लगना, क्योंकि खुद गर्माहट हो रही तो गर्मी अच्छी नहीं लगेगी। ठंड के प्रति आकर्षण होगा। अपच होना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में सहयोगी है, इसलिए अपच होना। अधिक थकान, जो मसल्स की वजह से है। मांसपेशियों का अत्यधिक विकास भी अधिक हो सकता है। बार बार नाक छूना, नाक छूने की बार बार आदत है तो हाइपर एक्टिव सिम्टम लीवर का, लीवर की एनर्जी बढ़ी हुई है। अत्यधिक उत्तेजित रहना, ये भी लीवर का है। प्रेरक ऊर्जा का होना, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वालिटी है तो ये प्रेरक ऊर्जा हो सकती है, अगर क्योंकि यह ऊर्जा का बड़ा सागर है और पिता तुल्य माना जाता है इसको। कार्य समाप्त होने तक अनवरत कार्य करना, ये देखिए इसकी विशेषता है लीवर की। यह लीवर है कि जो कार्य समाप्त होने तक ये लगातार जुटे रहते हैं। अत्यधिक मेहनती, ऐसे व्यक्ति अत्यधिक मेहनती होते हैं। कार्य में गंभीर चिंतन मनन और ध्यान केंद्रित करके इसको काम करते हैं। हठीला स्वभाव, इसके साथ ही हठीला स्वभाव संभव है। कभी हार न मानने की प्रवृत्ति, वैसे भी आप अगर व्यावहारिक धरातल पर देखें, दोनों चीजों का सामंजस्य रखें कि अगर पिता तुल्य कह रहे हैं तो जो पिता तुल्य कहा जा रहा है, पिता तुल्य की जो और भी विशेषताएं हैं कि पिता हार नहीं मानता है, संघर्ष करता रहता है अपने परिवार को पालन पोषण के लिए, वो हार नहीं मानता, वही समाज से हार नहीं मानता ना, तो वो कभी हार न मानने की प्रवृत्ति, क्योंकि पिता तुल्य है। धैर्यपूर्वक और प्रेरणादायी ढंग से अथक परिश्रम करना,
पूरा बिल्कुल काम एंड क्वाइट करके, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, अधिक परिश्रम करना। भावनात्मक रूप से कमजोर, क्योंकि मदर ऑफ हार्ट है, मदर ऑफ हार्ट है, और हार्ट भावनात्मक रूप से कमजोर भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से प्रबल भी है और उसे कमजोरी भी हो सकती है। जो मजबूत है वही कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि भावनाओं बह गया कमजोर हो गया, भावनाओं के पॉजिटिविटी में रही तो भावनात्मक रूप से उसमें अधिक होता है। भावना में जल्दी बहने की प्रवृत्ति, वही कि कमजोर होने का मतलब भावना में जल्दी बह जाएगा, तो ये उसका नेचर, ये हार्ट का भी नेचर इस तरह का हो सकता है। या तो तेज आवाज में चिल्लाएगा या चीखेगा जो निमित्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर का जो बेसिक मनोभाव है, मूल मनोभाव है, वो है क्रोध, और क्रोध दबा हुआ क्रोध लीवर का है, तो बहुत अधिक स्पॉन्टेनियस क्रोध ये गैल्ब्लेडर का है। तो दोनों युग्म है, इसलिए चीखना चिल्लाने की प्रवृत्ति हो सकती है, निमित्त होता है, और तर्कहीन भावनाओं के ज्वार में बहने की प्रवृत्ति, क्योंकि भावनात्मक रूप से है तो तर्क तर्क से काम नहीं लेगा वो, क्योंकि हृदय की मदर है, इसलिए हृदय के गुण भी, मदर के गुण हृदय में गए, और इसका मतलब कि अगर हृदय भावनात्मक रूप से बहुत निर्णय लेता है तो लीवर भी लेगा। तर्कहीन भावनाओं के ज्वार में बहने की प्रवृत्ति जो यकायक नियंत्रित हो जाती है, बैलेंस कर लिया तो बैलेंस हो गया तो नियंत्रित हो गए। अति भोजी ओवर ईट्स, लीवर का जो है, क्योंकि पाचन क्रिया से संबंधित, तो अगर अधिक हाइपर एक्टिव है, तो जैसे हाइपर एक्टिव अगर स्टमक हुआ तो उसको अधिक भूख लगेगी, वैसे ही लीवर भी हो गया तो उसको भूख लगेगी। अनवरत कार्य करने के कारण उत्पन्न थकान से ग्रस्त, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए, इसलिए ये थकान से ग्रस्त हो जाने पर भी थकना नहीं चाहता है, थकना दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि काम उसको पूरा करना है। अधिक पीने वाला, ये पॉलिटिक भी हो सकती है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन है हो सकती है, लेकिन सारी बातों को बताया गया इसमें। सरदर्द, क्योंकि एनर्जी सर में बढ़ जाएगी और गार्बलर सर में मेरिडियन जाती है, यद्यपि लीवर की मेरिडियन नहीं जाती लेकिन गार्बलर की मेरिडियन सर सर में जाती है, इसलिए सरदर्द। और लीवर का एक और फंक्शन है कि लीवर की जो एनर्जी है वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करेगी तो सरदर्द कर देगी, तो सरदर्द, सर में भारीपन, इसी वजह से भारीपन लगेगा, कमजोर पाचन हो जाएगा, बवासीर के मस से, ये उसका प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है, यह लीवर के लीवर, क्योंकि लीवर इज द सन ऑफ किडनी, तो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के जो युग्म है उनकी समस्याएं भी लीवर की समस्याएं हो सकती है। हमको पड़ोसियों पर, यानी मदर फादर रिलेशनशिप पर जरूर ध्यान देना है। ये पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी है, बगल में है, लेकिन किडनी मदर है, लीवर बेटा है, और लीवर का बेटा हार्ट है, तो हार्ट और किडनी युग्म से भी ये संबंधित हो सकते हैं। ये दृष्टि होनी चाहिए जब हम उस साइकिल को, क्रिएटिव साइकिल को पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिएशन ऐसे हुआ है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेस्टिकल्स में असहज संवेदना, जो वही वही नेचर है, क्योंकि तो किडनी मेरिडियन वहां जाती है। अत्यधिक चीनी एल्कोहल का सेवन, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक चीनी भी करेगा और एल्कोहल का सेवन करेगा। निचले कमर में दर्द, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की समस्या। अधोवायु की अधिकता, ये पाचन क्रिया वाले पर आएगा। इन्फ्लेमेशन से जल्दी ग्रसित होना, अधिक प्रदाह, जल्दी प्रदाह होगा, इन्फ्लेमेशन जल्दी हो जाएगा। सारे शरीर में जकड़न जो लगातार होती है, सारे शरीर की जकड़न हो जाएगी, यह मसल्स की वजह से भी संभव है। अंडर एक्टिव सिम्टम क्या है?
सर के पीछे भाग में सरदर्द, सर के पीछे भाग में सरदर्द, वो यूरिनरी ब्लैडर है और ये उसका भी है, गर्भ ब्लैडर का भी। गर्भ ब्लैडर इसका चूंकि युग्म है और पेयर ऑर्गन है, इसलिए उसके भी दोनों के गुण मिल सकते हैं। उसी के अवसाद, अवसाद होना लीवर का भी है और हार्ट का भी है। आशंकाग्रस्त होना, आशंकाग्रस्त होना इसका है। मिचली, मिचली इसकी वजह से आती है, क्योंकि पाचन क्रिया का वो जब बाइल जूस, आपका बाइल जूस का क्रिएशन है, और जब ये एनर्जी इसकी ऊपर जाती है, कभी कभी लीवर लीवर ऐसा है जो चारों तरफ जाता है, इसकी एनर्जी चारों तरफ जाती है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ, तो इसलिए मिचली। आंखों में जलन, क्योंकि तो लीवर आंखों में खुलता है। खुजली, इचिंग, क्योंकि विंड, खुजली क्योंकि विंड इसकी एनर्जी। पानी आना, आंखों में पानी आ जाएगा, आंखों में पानी आ जाएगा। लाल रक्तीली आंखें, ये आंखों में लीवर आंखों में खुलता, तो आंखों संबंधित जितनी होंगे, आंखों में जलन, खुजली, पानी आएगा, लाल रक्तीली आंखें हो जाएंगी, आंखों के बीच में ददोरे हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे, वो भी इसी का है। आंखों में दर्द होगा, ये जो आंखों की बीमारियां अधिकतर हैं वह लीवर संबंधित हैं, इसलिए कि लीवर आंखों में खुलता है। कमजोर भूख, अगर अंडर एक्टिव है तो भूख कमजोर हो जाएगी, जैसे अंडर एक्टिव स्टमक में भी ये स्थिति है। ऊर्जा की कमी, क्योंकि यह ऊर्जा का इतने एनर्जी का, इतना मेटाबॉलिज्म का ये कंट्रोलर है, इतनी चीजें क्रिएट करता है, इतने मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, इतने केमिकल्स क्रिएट करता है, कि उन केमिकल्स, ये जो चीजें हैं अगर नहीं हो रही हैं तो ऊर्जा की कमी आपको हो जाएगी। डायरिया, डायरिया हो जाएगा वो, क्योंकि पाचन से भी जुड़ा हुआ है। डायरिया, पेट में दर्द, स्टमक वाली भूख, जल्दी थकने वाली आंखें, आंखों की प्रॉब्लम होगी, जल्दी थक जाएंगे। दृढ़ निश्चय, कमी, अंडर एक्टिव है तो दृढ़ निश्चय, जहां उधर दृढ़ निश्चय ही था, हठीला भी था, दृढ़ निश्चय ही था लेकिन हठीला था, यहाँ दृढ़ निश्चय कमी हो जाएगी। चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वर्क नहीं पूरा कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ऊर्जा की कमी होगी तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाएगा। जल्दी नाराज होने वाला स्वभाव होगा, क्योंकि क्रोध भी है, दबा हुआ क्रोध है, काम नहीं हो पा रहा, अंडर एक्टिव है, चिड़चिड़ापन है, एनर्जी कमी है, तो जल्दी नाराज हो जाएगा। शीघ्र ही मानसिक संतुलन खो देने वाला स्वभाव होगा, मानसिक संतुलन खो देगा। मानसिक संतुलन तो बैलेंस, बैलेंस हमेशा आप जो उस लीवर की एनर्जी बैलेंस है तो आप बैलेंस रखेंगे, लेकिन अगर आपका वही अंडर एक्टिव है तो आप जल्दी स्वभाव के हो जाएंगे कि मानसिक संतुलन खो देंगे आप। व्यवहार में एक रूपता सामने नहीं होगा, कभी आप मूड स्विंग, कभी बदलें, कभी कम कभी ज्यादा। स्नायविक नर्वस संवेदनशीलता होगी, नर्वस संवेदनशीलता होगी, अधिक सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि तो अल्टीमेटली सर में भी इसको प्रभाव होता है, इसकी एनर्जी का। वजन न बढ़ना, अंडर एक्टिव है तो वजन नहीं बढ़ेगा, मसल्स आपके अधिक ग्रो नहीं करेंगे। छोटी छोटी समस्याओं पर अधिक ध्यान देना, ट्रिवियल चीजों पर अधिक ध्यान देने लगेंगे, और चूंकि शंका, शंकालु वहां पर है ना, शंकालु भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो शंकालु हैं तो अधिक ध्यान देंगे, छोटे छोटे चीजों पर अधिक ध्यान देंगे, उन पर अधिक विचार करेंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं है। घुटने कमजोर, घुटने कमजोर और किडनी, किडनी वाले से जुड़ा हुआ है। लड़खड़ाने की प्रवृत्ति, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो बैलेंस नहीं है तो इसलिए भी बैलेंस, लड़खड़ाने की प्रवृत्ति पैरों का, क्योंकि मसल्स, मसल्स का कंट्रोलर लीवर, तो लड़खड़ाने की प्रवृत्ति होगी। कम ऊर्जा के कारण जल्दी थकना, ऊर्जा कम है तो नेचुरली अधिक थकेंगे, अगर आपके अंदर ऊर्जा कम है और वही दौड़ने खेलने कूदने की ऊर्जा वही दे रही है, चलने की, काम करने की, और वो लीवर वही अंडर एक्टिव है तो जल्दी थक जाएंगे आप, चक्कर आने लगे एनर्जी कमी की वजह से। शरीर के तंत्र
का विष द्रव्यों से जल्दी प्रभावित होना, एनर्जी कम है तो दूसरे अटैक विष द्रव जल्दी अटैक कर लेंगे, उनसे अधिक प्रभावित हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपके उसमें आती है इन सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, वही अंडर एक्टिव है, लीवर अंडर एक्टिव है, अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, एनर्जी आपको कम दे रहा है, तो उस एनर्जी के कारण ही बाहर आपका बाहरी आक्रमणों से आप रक्षा करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, सेक्स से रुचि हो जाएगी, ये किडनी प्रोस्टेट समस्या है, किडनी किडनी से जुड़ा हुआ है, एक्सरसाइज करने से परहेज हुआ, अंडर एक्टिव है तो नहीं करेंगे, तो बैलेंस एनर्जी है नहीं, थकान थक जाएंगे, तो आप उससे अलग होने लगेंगे कि भाई ना करो, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं थक जाऊंगा, तो आप नहीं करेंगे। ये बॉडली पार्ट्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, तो इंडेक्स फिंगर इसमें क्यों, आकाश वायु अग्नि में हम लोगों ने रखा हुआ है, तो इंडेक्स फिंगर में रखा हुआ है, CMEA में, तो इसलिए उस इंडेक्स फिंगर, बिग टो ओरिजिनल बिग टो, इसलिए मैं नेम में तो ये इंडेक्स फिंगर है, लेकिन बिग टो उसके लिए है, क्योंकि जो मेरिडियन है वो बिग टो से ही जाती है, चाइनीज मेरिडियन, आंखें आंखों में खुलता लीवर, मांसपेशी मसल्स का कंट्रोलर है, हाथों पैरों के नाखून नाखून भी इसी से नियंत्रित होते हैं, टेंडन्स साइनस ये सब उससे है, शारीरिक संचलन का विकास, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट हो रहा है, उसका विकास यही करता है, क्योंकि मसल्स वगैरह सब हैं, तो यही सब इन सब के माध्यम से शरीर में जो क्योंकि यह हार्ट को भी कंट्रोलर है, हार्ट हार्ट का मदर है, हार्ट की मदर है, इसलिए शारीरिक संचलन का विकास ये जो है इसके इसका इससे जुड़ा जुड़ा गया है, नीली आभा या हरी आभा युक्त वर्ण, क्यों हरी आभा, हरा तो इसका कलर है, लीवर का कलर हरा है तो इसलिए हरी, और नीली आभा मतलब अगर कहीं कमी है तो आभा नीली हो सकती है, हरी आभा हो सकती है, पाचन एंजाइम्स विशेषकर बाइल जूस का निर्माण, ये बाइल जूस का तो निर्माण करता ही करता है, जो फैट ऑयल को पचाता है, यही बाइल जूस जो है आपके फैट ऑयल को पचाएगा, दर्द नियंत्रक कार्य, दर्द नियंत्रण का कार्य यही करता है, भोजन भूख के कार्य का नियंत्रण, ये गॉलब्लैडर और लीवर दोनों युग्म मिलकर के भोजन भूख के कार्य का नियंत्रण भी करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग में भी प्रभावित होता है, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण, एक रूप में देखा जाए कि टेम्परेचर, यही फिजिकल एक्टिविटी जितनी होती है आप केमिकल एक्टिविटी की वजह से ही आपके शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, और दूसरा मिडिल वार्मर का ये कंट्रोलर भी तो है, हाँ मिडिल मिडिल वार्मर का, लोअर वार्मर का कंट्रोलर है लीवर, तो ये उसकी वजह से भी है, लोअर वार्मर का कंट्रोलर यही है, मिडिल वार्मर का कंट्रोल तो स्प्लीन है, लेकिन लोअर वार्मर का कंट्रोलर ये है, तो ये शरीर के तापक्रम का नियंत्रक भी है, रक्त को स्टोर करना व नियमन का कार्य, रक्त को क्या करेगा, स्टोर करेगा और उसको बैलेंस करेगा, कभी आपको आवश्यकता हुई तो आपके शरीर में चला जाएगा, मतलब सर्कुलेशन में, और शरीर कमी हुई तो वापस आ जाएगा, रक्त उत्पादन का अंतिम स्टेज है, यहाँ पर रक्त बना, बनने के बाद आया और यहाँ फिर छनाई हुई, यानी टॉक्सिन यहाँ से हटा दिए गए और तब वो हार्ट को गया, यानी अंतिम स्टेज है, ग्लाइकोजन का स्टोर करना, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, और जब आवश्यकता होती है तो इस ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, शरीर को आवश्यकता हुई ग्लाइकोजन से, और मान लीजिए आपने ग्लूकोज अधिक ले लिया तो उसको कहीं और उतनी आवश्यकता है नहीं, तो उसको लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके सुरक्षित रख लेता है, और जब शरीर को आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर दे देता है शरीर को, आंतों का संचलन कार्य, इसलिए हमेशा कहा गया है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करिए, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज कर दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाज कर दिए, मेन तो लार्ज इंटेस्टाइन है,
स्प्लीन, उसके बाद स्प्लीन पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आंतों के लिए लीवर पर भी ध्यान देना चाहिए कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब इसकी क्वालिटीज जो है उन पर हम लोग चर्चा कर लें। क्वालिटीज मैनिफेस्टेशन में हो उत्साही प्रवृत्ति का, ऐसा व्यक्ति उत्साही प्रवृत्ति का होगा। योजना बनाकर कार्य करेगा, ऐसा व्यक्ति देखिए पिता तुल्य इसीलिए कहा गया है। आप बहुत सी बातें व्यवहारिक जगत से सीख सकते हैं, उत्साही प्रवृत्ति होगा। अगर उत्साही नहीं होगा तो पिता तुल्य होने का अर्थ क्या है? आपको समाज से लड़ने की क्षमता आपको है, तो उत्साही नहीं रहेंगे तो आप समाज से नहीं लड़ पाएंगे। समाज के विरुद्ध जा करके समाज में एक एक चीज को सीखना है, समझना है, तो वो चीज ये व्यवहारिक जगत से सीखे, चिकित्सा के साथ साथ, क्योंकि दर्शन है। दर्शन माने यह जो चीज आप सोच सकते हैं वही तो दर्शन है, जो मन से आप सोच रहे हैं वही दर्शन है। जो व्यवहारिक जगत में आपको दिखाई भले न पड़े लेकिन जो मन से आप सोच पा रहे हैं वही तो पिता तुल्य है। पिता तुल्य होने का अर्थ कई है। आप अपने घर परिवार को सुरक्षित रखते हैं, आप अपने घर परिवार को आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, आप अपने परिवार को आगे संघर्ष में, समाज से संघर्ष में लड़ने में उनके साथ खड़े होते हैं। आप अकेले भी लड़ते हैं, उनके साथ भी लड़ते हैं, वही उत्साही प्रवृत्ति होगा। योजना बनाकर कार्य करेगा, बैलेंस होगा तो योजना बना काम करेगा, इतना बढ़िया योजना बनाएगा कि आगे चल के वो हर स्टेज पर अपना पहले से ही डिसाइड करता रहेगा कि हमको ये तीसरे स्टेज में ये करना है, चौथे स्टेज में ये करना है। इसको कहते हैं बेस्ट बेस्ट प्लानर है। सकारात्मक प्रतिक्रिया व त्वरित प्रतिक्रिया दोनों कितनी, सकारात्मक भी रखेगा, पॉजिटिव भी क्वालिटी होगी, लेकिन त्वरित भी करेगा। ये नहीं कि बहुत देर तक विलंब से करे, सकारात्मक हो लेकिन विलंब से करे वो नहीं, सकारात्मक भी करेगा, पॉजिटिव भी रहेगा और जल्दी करना चाहेगा तुरंत, क्योंकि योजना बनाकर काम करने का आदी है। सहनशीलता, पिता तुल उसको सहनशील होना ही पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पिता है तो सहनशील होगा, लड़ेगा झगड़ेगा लेकिन सहनशील होगा, चार बात सुनने के लिए तैयार होगा, समाज की भी और घर परिवार की भी। आप इस तरह जुड़िए, ये कहीं नहीं लिखा होगा लेकिन यह चिकित्सा में समझने के दृष्टिकोण से आपको कह रहा हूं कि सहनशीलता, अगर पिता तुल्य आप मान रहे हैं तो सहनशीलता का स्वभाव होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। फिर वही, आप दृढ़ निश्चय नहीं होंगे तो रक्षा कैसे करेंगे? दृढ़ निश्चय होंगे तो बाहर के आक्रमणों से रक्षा कैसे करेंगे? आपका घर तो किला है, उस किले में बाहरी कोई भी तत्व आएगा तो उससे आपको रक्षा करनी पड़ेगी। तो साहसी भी होंगे, दृढ़ निश्चयी भी होंगे, जल्दी योजना बनाएंगे, देर से नहीं किया, आपका किला पहले टूट जाए उसके बाद आप सोचें। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण व पालन, अब यह तत्व तो जो है किडनी के नीचे, मेन फंक्शन किडनी का है, क्योंकि किडनी जहां तक एक बार भौतिक सुखों के लिए बहुत तलाशित रहती है तो वहीं पर आध्यात्मिक मार्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष, काम के बाद ही मोक्ष होता। तो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कर रहा है और पालन कर रहा है तो यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया भी है। और यह किडनी के पिता पुत्र होने के नाते, किडनी के पुत्र है इसलिए स्पष्ट इस व निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? दृढ़ निश्चय है, बिल्कुल निश्चय कर लिया कि यह है। बुद्धि में बहुत ऊहापोह नहीं है कि हमको ये करना, ये है, नहीं करना, टू डू और नॉट टू डू इज नॉट ए क्वेश्चन इफ योर लीवर इज बैलेंस्ड। ये नहीं है कि ये करें या ये ना करें, याददाश्त मेमोरी बैलेंस रहेगा तो याददाश्त अच्छी रहेगी, मेमोरी और भी जगह मिलेगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेगा। संगठन क्षमता, पिता तुल 10 लोगों को, आपको घर बनवाना हो तो 10 मजदूरों को बुला करके और उनको काम भी कराएगा, ये भी संगठन क्षमता है।
और चार लोगों को इकट्ठा करना हो तो उनको कहेगा कि इस काम के लिए हमको जाना है, ये शिकायत करनी है, ये हमको ऐसा काम कराना है, तो उसके लिए संगठन क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेना और तदनुसार कार्य करना, तुरंत निर्णय हुआ चूंकि पॉजिटिव है, जल्दी निर्णय लेता है, सही निर्णय लेगा और सही निर्णय लेने के बाद उसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देगा। तो और तब तक इंप्लीमेंट के लिए डरेगा नहीं या हटेगा नहीं या थकेगा नहीं जब तक काम पूरा नहीं करने। वो भी महत्वाकांक्षी, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा। क्यों? क्योंकि वायु वायु आपको बहुत से मूवमेंट देती है। मूवमेंट है ये, मूवमेंट मतलब आप एक एक मूवमेंट माने वायु चल है और वायु प्रबल है, तो प्रबल है और वायु चल है, इसलिए वायु चूंकि एनर्जी है इसके, इसलिए महत्वाकांक्षी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। पॉजिटिव है तो महत्वाकांक्षी भी हो सकता है कि मुझे ये समाज से ये लेना है, या हमारे अपने परिवार को यहां तक ले जाना है, या मुझे स्वयं यहां तक जाना है, ये महत्वाकांक्षी धैर्यवान पॉजिटिव है, धैर्यवान भी रहेगा, बैलेंस है ना, इसलिए धैर्यवान है। क्यों? कहेगा कि हमको ये काम करना है लेकिन ये सिस्टम है और इस सिस्टम में ये स्टेज है, ये स्टेज है, ऐसा नहीं कि पहली स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज तुरंत आ जाए, जानता है कि पहली स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज आएगी, तो वो धैर्यवान है। सदैव प्रसन्नचित्त रहने की प्रवृत्ति पहले से, हार्ट हार्ट का हार्ट की मदर है प्रसन्नता, हार्ट का मेन कैरेक्टर है। विनोद प्रियता तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी के संयुक्त रूप से आती है। अगर पॉजिटिव आप हैं और बढ़िया आप सब सोच रहे हैं, समाज के साथ अपना बैलेंस बनाए हुए हैं, तो आप विनोद प्रिय भी होंगे। यहां तक हम लोगों ने लीवर का किया, फिर अगली बात करेंगे। धन्यवाद। लीवर बहुत बड़ा चैप्टर है, लीवर पितातुल्य है, इसलिए लीवर को और अधिक डिस्कस करना है। धन्यवाद।